हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल परफेक्ट इंटेलिजेंस में। सो दोस्तों, आज का ये वीडियो कोई एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। दोस्तों बहुत सारे लोगों ने मेरे पास कमेंट किया था कि सर आप माइक का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपकी जो वॉइस क्वालिटी है और अच्छी हो जाएगी। तो उस चीज़ को मैंने देखा कि सच में मेरी वॉइस क्वालिटी है अच्छी नहीं आ रही। तो मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि कौन सा माइक लिया जाए। तो बहुत सारे लोग जो YouTube पे काम करते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर आप बोया का माइक लीजिए। 80% YouTube पे काम करने वाले लोग यही माइक का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों 3-4 दिन पहले मैंने फ्लिपकार्ट से उस माइक को मैंने ऑर्डर किया था और फाइनली आज वो माइक मेरे पास आ चुका है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों ने ही रिक्वेस्ट किया था, तो आप लोग के सामने ही उस माइक को मैं ओपन करूँ। तो ये रहा वो माइक, इसको ओपन करके देखते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करते हैं। तो दोस्तों ये रहा वो फ्लिपकार्ट का बॉक्स, तो चलिए इसको हम लोग ओपन करते हैं। ब्लेड को हम लोग उठाते हैं, ब्लेड से कट करते हैं, इधर से भी कट लगाना रहता है। गजब सिक्योरिटी देता है भाई, इधर भी कटना पड़ेगा, अभी नहीं कटाइए। तो ये रहा बॉक्स, देखिए इसमें क्या निकलता है। तो ये है कुछ बिल मेरा, ये सब एड्रेस है कि कहाँ पहुँचाना है, मेरा नाम वगैरह लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग रखते हैं साइड में, उसके बाद देखते हैं ये क्या है। ये दिया हुआ है कैशबैक कूपन, ये फ़ोन पे पता नहीं क्या है ये, चलिए इसको बाद में देखेंगे हम लोग। कैशबैक है 30 रुपीज़ का, पता नहीं कैसे इसका यूज होगा। इसको किनारे रखते हैं हम लोग, आगे बात करते। देखिए ये रहा वो फाइनली वो बॉक्स जिसका मुझे इंतज़ार था। तो ये है आपका, अभी इस बॉक्स को हम लोग इधर किनारे रखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों आप, यही है वो माइक बोया का, जिस माइक के बारे में मुझे सभी लोगों ने बताया था। ये कुछ आप यहाँ पे देख रहे होंगे, बोया लिखा हुआ है और ये BY-M1 इसका ये मॉडल नंबर है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लैपटॉप से भी चल सकता है और लैपटॉप में भी चलेगा ये। और ये देखिए दिया है टैबलेट में भी, ये मोबाइल फ़ोन में भी, कैमरे में भी, ये सब चल सकता है। आगे इधर देखेंगे आप तो ये कुछ इसका मॉडल नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे दिया है फिगर कि आप कैसे लगा सकते हैं कॉलर पर। और ये कुछ इसका ये दिया है फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशन के अंदर देखा जाए। तो इसको हम लोग ओपन करते हैं, फाइनली ओपन करते हैं। देखो दोस्तों मैंने कभी अनबॉक्सिंग नहीं किया है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ आप सभी के सामने। और ये फाइनली ये क्या निकलता है, ये एक ये बुक है, एक ये बुक है जिसका यूज हम लोग देख देख कर सकते हैं कि कैसे यूज करना है, सब कुछ दिया हुआ है। तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको किनारे रखते हैं। देखिए अब आगे अंदर क्या है, इसको निकालते हैं। अब ये निकलता है एक बॉक्स, और ये क्या है, ये कुछ वारंटी कार्ड या सब लिखा हुआ है, वारंटी कार्ड। चलिए इसका मुझे कोई काम नहीं है, इसको किनारे रखते हैं। अब इस बॉक्स को हटाते हैं हम लोग। अब ये दिया है देखिए कितना अच्छा, एक पाउच दिया हुआ है, लेदर का एक पाउच है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसके अंदर देखते हैं क्या है। तो फाइनली माइक हमारे पास आ चुका है, ये एक स्टिकर है बोया का ही, इसको इधर रखते हैं। और ये क्या है पता नहीं क्या, इसको रखिए इधर। अब देखिए ये आप देखते होंगे, देखिए एक कनेक्टर भी मिला हुआ है इसके साथ, जो कि आप इसी उसी में कनेक्ट कर सकते हैं। और इसको निकालते हैं बाहर क्या है देखा जाए। देखिए एक रुई टाइप का है, इसको माइक में ही लगाते हैं, जहाँ पर नॉइस वॉइस अधिक होता है ना, तो उसमें लगा सकते हैं हम लोग अच्छी क्वालिटी के लिए। ये है, इसको इधर रखते हैं। और ये है कनेक्टर, जो कि आप इसी उसी में यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर है तो। इसको भी किनारे रखते हैं हम लोग। अब ये दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या है, ये है एक बैटरी और एक क्लिप है, इसको भी निकालते हैं। ये है एक बैटरी, ये बैटरी कहाँ यूज होगा, इसको देखते हैं, खोलेंगे इसको। ये है एक बैटरी और ये एक क्लिप, ये क्लिप जो है कि आप शॉर्ट वोट पर लगा सकते हैं ये बैटरी। चलिए इसको देखते हैं। और ये फाइनली ये देख सकते हैं आपका वायर बहुत ही लंबा है, जिसके बारे में सभी लोगों ने मुझे बताया था कि वायर काफ़ी लंबा रहेगा आपका और आप दूर से भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ है ये, अब ये खुलेगा क्या, देखते हैं ये खुलने वाला क्या। ओहो अच्छा, इसी के बारे में सब बात कर रहे थे कि सेंसर लगा रहता है इसमें, ये सेंसर है जो कि ऑडियो क्वालिटी को आपको बहुत ही अच्छा खूबसूरत कर देगा। ओ यहाँ पर बैटरी लगेगा, वो इस बैटरी को यहाँ पर लगाया जाए, ये बैटरी यहाँ पर कनेक्ट हो गया, कनेक्ट हो गया, देख सकते हैं आप कितना अच्छा ये बनाया गया है। इसको लॉक करते हैं। और कुछ इसके बारे में दिया हुआ, देखिए यहाँ पे दिया ये बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ कैमरा और यहाँ ऑफ, यहाँ पे स्मार्टफोन, तीन चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे, तीन चीज़। यहाँ पे अगर ऊपर करेंगे तो आप कैमरा में भी यूज कर सकते हैं, DSLR वगैरह होता है ना कैमरा, तो उसे भी यूज कर सकते हैं आप। और बीच में रहेगा तो ऑफ रहेगा,
अगर नीचे रहेगा ये बटन तो स्मार्टफोन में रहेगा, तो मेरे मेरे पास स्मार्टफोन है और कुछ तो है नहीं, तो मैं स्मार्टफोन में ही रिकॉर्डिंग करूंगा, है कि नहीं। तो इसको अगर ऊपर आप करेंगे, देखिए कैमरा में रिकॉर्डिंग होगा ये, उसके बाद अगर ऑफ करेंगे तो बीच में ऑफ करना होगा आपको बीच में, उसके बाद नीचे कर देंगे एकदम तो हो जाएगा आपका स्मार्टफोन में, ठीक है। तो दोस्तों अगला वीडियो जो भी आएगा वो माइक का यूज करके ही आएगा।